हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करता हूँ ठीक है। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल डिमापुर बंगाली रिएक्ट। मेरा नाम है किशोर रहता। फ्रेंड्स, बहुत ही ठंडा लग रहा है, इसलिए मैं मजबूरी से ये टोपी पहन रहा हूँ, ठीक है? तो इसका आप लोग माइंड मत कीजिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग सब यूट्यूब तो देखते होंगे, ऑब्वियसली आप मेरा वीडियो भी देख रहे हैं, तो आप यूट्यूब देख रहे हैं। तो बहुत सारा लोग जो है यूट्यूब देखते हैं और डेली बहुत सारा वीडियो वो लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है? और ये खाली इंडिया में नहीं हो के वर्ल्ड वाइड यूट्यूब एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है आपका वीडियोस का, ठीक है? आप इसके सामने फेसबुक बोलिए या दूसरा मतलब कंपनी बोलिए या दूसरा प्लेटफॉर्म बोलिए, वो बहुत ही छोटा है यूट्यूब का सामने। और यूट्यूब का इथिक्स और प्रिंसिपल जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही मतलब क्या बोलेगा सॉलिड है, ऐसा बोलना है यूट्यूब का, ठीक है? आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे कि क्या बोलना चाहता हूँ मैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा इस वीडियो का थ्रू। और जो लोग नए हैं चैनल में, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरा हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आपको डिटेल्स में बताते हैं। तो यूट्यूब में आपका जब 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर वॉच आवर होता है तो आपका वीडियो जो है मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई हो जाता है। तो उसके बाद आप जब वीडियो मतलब आप बनाएंगे तो उसका वीडियो में आपका एड्स आएगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं, जो व्यूअर्स है, जो क्रिएटर है, उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो व्यूअर्स है वो लोग प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूट्यूब का, जिसमें आपका एड्स नहीं आता है, ठीक है? और यूट्यूब का एक अच्छा खासा बिजनेस चलता है एड रेवेन्यू से। और यूट्यूब का नहीं, यूट्यूब का जो क्रिएटर्स है उन लोगों का भी एक अच्छा खासा बिजनेस चलता है एड रेवेन्यू से। तो बहुत सारे लोग एड्स बार बार आता है, मतलब वीडियो ऑन किया तो पहले एड्स आ गया, उसको बंद करने के लिए वो लोग प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं लेके वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बहुत सारा सॉफ्टवेयर निकल गया है जिसका नाम है एड ब्लॉकर, ठीक है? तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर है एड ब्लॉकर का, ब्लॉकर का नाम से। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो सॉफ्टवेयर यूट्यूब में आप वीडियो रन करेंगे तो उस वीडियो में रन होने वाला एड्स को वो लोग ब्लॉक कर देते हैं, वीडियो में एड्स नहीं दिखाएगा, डायरेक्ट वीडियो प्ले होगा। तो यूट्यूब बहुत दिन से ये चीज का ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन हद तो तब पार हो गया जब यूट्यूब का रेवेन्यू में वो इफेक्ट होना शुरू हो गया, ठीक है? क्योंकि एड रेवेन्यू जो है वो यूट्यूब का भी बिजनेस का एक मेन जरिया है, मेन सोर्स है। तो अगर एड ब्लॉक हो जा रहा है तो यूट्यूब कमाएगा क्या, खाएगा क्या? तो इसलिए YouTube ने एक बड़ा स्टेप लेके उसने जितना भी एड ब्लॉकर सॉफ्टवेयर जो लोग यूज करते हैं वो सर्वर को वो लोग आइडेंटिफाई करके उस सर्वर में जब वीडियो रन होगा तो उसको ऐसा कर दिया कि वो स्लो रन होगा, ठीक है? मान लीजिए कि आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं YouTube में और एड्स देखना नहीं चाहते, तो आपने अगर उस एड ब्लॉकर का यूज किया तो आपका वीडियो जब स्टार्ट होगा तो बहुत ही स्लो स्टार्ट होगा। आप उसको देखने के लिए आप तरस जाएंगे, आपको बोर लग जाएगा। उस वक्त में आप क्या करेंगे, आइदर आप जो YouTube है उसको बंद कर देंगे या फिर एड ब्लॉकर को हटा देंगे। तो इसीलिए यूट्यूब ने ये स्टेप लिया और यूट्यूब बहुत हद तक इसमें सक्सेस हो गया है। अभी बहुत सारा सर्वर है जिसमें एड ब्लॉकर मतलब अभी चल रहा है, तो उसको यूट्यूब क्या कर रहा है, धीरे धीरे उसको भी ठिकाने लगा रहा है। तो ये एक बहुत ही जेन्युइन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, आप लोग मानो या ना मानो, और इसमें आप सक्सेस हो सकते हैं आपका जेन्युइन वीडियो का थ्रू। तो कैसा लगा आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो? अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।